आगे बढ़ेंगे। मुंबई के वर्ली इलाके में 140 परिवार मुश्किल में हैं। उनके घरों पर हथौड़ा चलाने की तैयारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब 2 मई को इसे तोड़ा जाएगा। मुंबई में 140 घरों पर चलेगा बीएमसी का हथौड़ा। कुछ ही घंटे में उजड़ जाएगा आशियाना। 25 साल से तिनका तिनका कर जो आशियाना बसाया था वो अब से कुछ ही घंटों बाद उजड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएमसी 140 फ्लैट्स पर हथौड़ा चलाएगी। अपने सपनों के घर पर हथौड़ा चलने की बात सोच सोच कर यहाँ रहने वालों के दिल बैठने लगे हैं, उनकी आंखें नम होने लगी हैं। मेरी तो पूरी जिंदगी इसी में गई, सारे एक एक चीज संवर के रखा, एक एक चीज आज बच्चों को पाल के बड़ा किया, आज उम्मीद है कि बच्चे बड़े हुए आज कुछ होगा, आज मैं बीमार आदमी हूँ, आदमी हमको तो इसका चिंता रहता है। मैं तो बीमारी से घिरी हुई हूँ, रोज का मेरा इलाज चलता है, रोज हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, आज मैं कहाँ जाऊंगी, कुछ भी हो गया तो वो कुछ कर सकेंगे मेरा। दरवाजे पर 48 घंटे में घर खाली करने के लिए नोटिस चस्पा है। अंदर रहने वाले परेशान हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। खून पसीने की कमाई से यहाँ फ्लैट लिया था, 25 साल से हर साल समय पर टैक्स भी दिया, ऐसे में ये फ्लैट अवैध कैसे हो गया इनकी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग जब आए थे तभी यहाँ पानी भी नहीं था, अब आज के दिन भी टैंकर से पानी आता है। सातों बिल्डिंग में कंपाउंड में 7 बिल्डिंग है, सातों बिल्डिंग में कंपाउंड टैंकर से पानी आता है, म्यूनिसिपैलिटी का पानी नहीं आ रहा है, जबकि म्यूनिसिपैलिटी टैक्स हर साल ले रही है और हम लोग स्टैम्प ड्यूटी भरे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन भी भरा हुआ है हमारा, और अगर ये सब इलीगल था तो बीएमसी को ये सब चीज नहीं लेना था। क्यों उजाड़े जाएंगे 140 घर। कैंपाकोला कंपाउंड में है 7 बिल्डिंग, 5 फ्लोर के ऊपर वाले सभी घर हैं अवैध। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टूटेंगे 140 फ्लैट्स। 3 बिल्डरों ने मिलकर कैंपाकोला कंपाउंड में 7 बिल्डिंग बनाई थी, जिसमें से 1 बिल्डर की मौत हो गई है और 2 की हालत ठीक नहीं है। कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ फ्लैट खरीदने आए थे तो बिल्डरों ने कहा था कि सारे पेपर ठीक हैं और बीएमसी से इसकी मंजूरी भी ली गई है, लेकिन 25 साल बाद ये फैसला आया है कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है और उन्हें इसे खाली करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश है कि घर खाली कर दिया जाए, लिहाजा इन लोगों ने अपना सामान तो बांधना शुरू कर दिया है। ज्यादातर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अब जाएं तो जाएं कहां। सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। एक एक हथौड़ा शायद उनके घर पर नहीं बल्कि दिल पर लगेगा और यही वजह है कि इन लोगों की आंखों में आंसू हैं।